नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। पुलिस महिला सुरक्षा सखी द्वारा नरेगा महिला श्रमिकों को निःशुल्क आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। आज कोटा जिले के पिपलदा तहसील के करवाड़ गांव में चल रहे नरेगा कार्य के दौरान करीब 160 महिला नरेगा श्रमिकों को पुलिस महिला मित्र सखी द्वारा आज महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। महिला अपनी आत्मरक्षा कैसे करे और हमलावर को कैसे प्रस्त करे। जानकारी में बताया गया कि ग्राम पंचायत पिपलदा कला में रश्मि नामदेव शारीरिक शिक्षिका है, जो इटावा पुलिस थाने में सुरक्षा सखी के रूप में भी कार्यरत है। सुरक्षा सखी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र की नरेगा महिला श्रमिकों को निःशुल्क आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं तथा महिलाएं अपनी सुरक्षा कैसे करें इस पर वार्ता कर उनको सशक्त बनाया जा रहा है। और शारीरिक शिक्षिका द्वारा लगभग 160 नरेगा महिला श्रमिकों को निःशुल्क आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। ज्योति वैष्णव सुरक्षा सखी तथा नरेगा मेट रेखा पारेता फौरनति बाई की मौजूदगी में आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। हम तो आदमी से जीत नहीं सकते, ये जब तक आपके मन में रहेगी ना बात, हम आदमी से जीत नहीं सकते। जब तक आप लोग हमेशा डरते रहेंगे और अपने गलत का विरोध नहीं करेंगे, और जब तक आप गलत का विरोध नहीं करोगे जब तक क्या होगा, आप शिकार होते रहोगे। तो सबसे पहले बात है कि गलत को खुल के विरोध करें, डरना नहीं चाहिए। कोई आपके छेड़ कर रहा है बस में, जीप में, कहीं पे भी। सेल्फ डिफेंस के बारे में मैं आपको बताने आई हूँ, जिसे कहते हैं आत्मरक्षा। आत्मरक्षा यानी अपनी आत्मा की रक्षा करना, अपने आप को कैसे बचाएं अपन। उसके लिए आपको छोटी छोटी टेक्निक तो यानी कि आप जूडो कराटे सीखेंगी या कुछ सीखेंगी, छोटी छोटी टेक्निक आनी चाहिए आपको, जिससे आप अपना बचाव कर सकें। आपके साथ कोई हाथापाई करे तो अपने स्वयं को तो बचाएंगे ना अपन, कि मार खा खा के मर जाना है, है ना। तो छोटी छोटी टेक्निक बताने के लिए, जैसे मान लीजिए इसने मेरा हाथ पकड़ा, इसने हाथ पकड़ा मेरा, अब आप हाथ को कैसे छुड़ाएंगे। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ये ऐसे घुमाया और ये दोनों हाथों से पकड़ लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया, ये पकड़ लिया इसने दोनों हाथों से। अब कैसे छुड़ाओगे, ये ऊपर से हाथ डाला, ये निकाला। इसके अलावा आपको कोई बस में कोई टच करता है, ऐसे करता है ना टच, वो सिर्फ अपन बर्दाश्त करके ले जाते हैं। क्यों करते हैं, क्यों कैसे होते हैं, लोग बाग नुकेंगे, लुगाई खड़ा आपकी मारने ऐसे छेड़ करेंगे, ज्यादा नखरे करके निकलती है। तो ये औलत ही औलत की दुश्मन है, कोई सी औलत कोई अच्छी सी बंधन के निकल जाएगी ना, बुरी मत मानना। तो वो जो अपने आप को जो उससे अपने आप को जो थोड़ा समझेगी कि अपन तो इसके आगे कुछ नहीं देते, वो तो यही नखरे करती है छेड़ेंगे सही, तो लोगों को दिखाने के लिए नखरे करके निकलती, यही कहती है ना औरतें। यही कमी अपनी औरतों की, इसलिए जेंट्स अपन पे भी होते हैं। जबकि कभी किसी औरत के साथ कुछ भी हो ना, तो अपन को क्या करना चाहिए। कोटा ब्यूरो चीफ मुकेश गोस्वामी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।